हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक शुरू की थी, जो कि अप्रैल 2021 से लेकर 1 मार्च 2022 यानी इसी मंथ तक, तो लेटेस्ट एडिशन है जो इंग्लिश में पब्लिश किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वन लाइनर से रिलेटेड हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि MCQs हमने जो 800 MCQs हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसके चारों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। एंड दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द वन लाइनर्स दोस्तों, ठीक है। सारे जितने भी वन लाइनर्स हैं सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे मैगजीन को भी कम्प्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो ये दिस इज़ अ कंटेंट दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे जो स्पीडी करंट अफेयर मैगजीन्स होते हैं ना उनका जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है दोस्तों, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा न्यूज़, थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज़ ऐड कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो इसके कंटेंट हैं एंड लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स वन लाइनर होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखें। राइट, सो विच प्लेयर हैज स्टॉप द ICC ODI रैंकिंग रिलीज ऑन 1 अप्रैल 2021, दैट इज विराट कोहली दोस्तों। सो विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव ए 2 ग्रीन एनर्जी एफिशियंट सिटीज ऑन अप्रैल 1, 2021, दैट इज बिहार। बाय विच ईयर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू हैव ए हाउस फॉर एवरी पूर इन UP ऑन अप्रैल 1 की बात करें तो 2022 तक इनकी गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हर गरीब आदमी के लिए वहाँ पर घर रहेगा दोस्तों। और विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 2, 2021, दैट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। नेक्स्ट है हमारा, विच बैंक हैज अनाउंस्ड ए लॉन्च ऑफ कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड ऑन अप्रैल 2, 2021, दैट इज यूनियन बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड ए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी बिफोर एंटरिंग द स्टेट ऑन अप्रैल 2, उत्तराखंड ने मैंडेटरी कर दिया था दोस्तों। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू एवरी फैमिली अंडर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो राजस्थान। चिरंजीवी का नाम सुनते ही कई सारे बच्चे जो आंध्र प्रदेश रख के आते हैं, बिकॉज वहाँ के एक फेमस एक्टर हैं, इनका नाम चिरंजीवी है, तो उन्हीं के नाम पे इस तरह से बनाया गया है बोल के गेस करना गलत है। एग्ज़ाम में गेस मत कीजिएगा, अगर आपको श्योर शॉट नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, इट्स बेटर, आपके नेगेटिव मार्क्स तो नहीं जाएंगे। राइट, सो नेक्स्ट हमारा, विच कंट्री हैज़ डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, दैट इज़ रशिया। विच कंट्री टॉप्स द WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2021, जो कि अप्रैल 3 को रिलीज़ किया गया था 2021 में, ये आइसलैंड है दोस्तों। वेयर विल द इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप, तेलंगाना हो गया। एंड विच रेलवे जोन हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड इंडियन रेलवे जोन की बात करें तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ICICI बैंक हैज़ पार्टनर विथ होम टू इशू द फास्टैग की बात करें तो फ़ोनपे के साथ इनका अग्रीमेंट होके है, उनके जरिए से फास्टैग आपको इशू किया जाएगा। विच मेडल हैज़ अनिया मिथुन वोन इन द साउथ एशिया वुशू चैंपियनशिप की बात करें तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। हु हैज़ वन द मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम, ये एशलिक बाटी जी ने जीता है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन वॉज ऑनर्ड विद द कलिंगा रत्ना अवार्ड की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिजाइंड अम्बोली एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, दैट इज महाराष्ट्र। विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन अप्रैल 5, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस है दोस्तों। एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज डॉक्टर चिंतन वैष्णव। हु ओन द मेन सिंगल टाइटल्स ऑफ मियामी ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन 2021 की बात करें तो ह्यूबर्ट हरगाज ऑफ पोलैंड दोस्तों। सो विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल, दैट इज नेशनल मेरीटाइम डे। सो बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द COVID-19 डिजिटल ट्रैवल पास की बात करें तो सिंगापुर पहला कंट्री बना था दोस्तों। सो नेक्स्ट है, विच मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन द फ्रांस एंड क्वाड कंट्रीज, आपको पूछ रहा है, दैट इज इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात करें तो ला पेराउज है दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर विल द वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर 2023 बी हेल्ड ऑन अप्रैल 6 की बात करें तो ताशकंद। हु हैज़ बिन सेलेक्टेड एज अ न्यू हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट ऑफ 6 अप्रैल की बात करें तो शब्बीर हुसैन जी को और शेखामंद कंदा वाला जी को सेलेक्ट किया गया। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल 2021, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड बाय द रेलवेज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इन द ईयर 2020-21 की बात करें तो 4,573,000 करोड़। ओके, एंड हु हैज़ बिन बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स 2021, दैट इज नॉर्थ कोरिया बना था। एंड विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 8, 2021 की बात करें तो सुपेस है दोस्तों, सुपेस या सुपास जो भी आप बोले। एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रोसेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस, दैट इज ETD नैनो स्निफर। ओके, एंड द नेम ऑफ द महाकवि सूरदास पेनेंस
Mahammadpur village has been changed to Parsauli. Which military officer has entered the Guinness Book of World Record in solo cycling? That is Bharat Pannu. And how many temples including Badrinath and Kedarnath have been freed from state controlled by the Uttarakhand? 51 temples, dosto. Dr. Rishiraj Pathak has been nominated for the which award for the poetry collection of Adhyumesh ki baat kahe to Sahitya Academy Yuva Puraskar. Which festival was organized across the country to control increasing number of COVID patients from 11 to 14th April ki baat kare to Tika Utsav. And which day was celebrated on 11th April? That is World Parkinson Day. With which country did the Minister of Civil Aviation finalizing the air bubble agreement ki baat kahe to Sri Lanka ke saath. And which volcano on the eastern Caribbean island has erupted suddenly after 42 years? That is Law Soferrier, dosto. Which Sanskrit teaching app developed by Indian Council was launched in Bangladesh? That is Little Guru. And who has been selected as the first female astronaut for the UAE? That is Noor Al Matrushi. Which day was celebrated on April 13 ki baat kahe to Siachen Day manaya jata hai. And which anniversary of Jallianwala Bagh massacre was celebrated? That is 102nd. Next MR, who has been elected as a Director General of National Anti-Doping Agency ki baat kare to Siddharth Singh Longjam hai dosto. Which award was given to runner Dutya Chand by the government of Chhattisgarh on April 14th ki baat kare to Chhattisgarh Veerani Puraskar. Which census for boats has been started by Bird Count of India ki baat kare in Assam, that is Bohang Bihu and Bird Census. Which Pakistani batsman has overtaken the Indian team captain Virat Kohli to top ICC ODI ranking ki baat kare to Babar Azam abhi aa rahe hain trending mein. And April 15 was celebrated by which day? That is World Odd Day. Which famous poet was given the Lok Nayak Foundation Literacy Award for the year 2020 ki baat kare to Katti Padma Rao ji ko diya gaya hai. According to the report released on 15th April 2021, how many people were vaccinated under Tika Utsav? That is 1 crore 28 lakh, dosto. America has announced to start hydrogen task force with which country? India ke saath. And which country has asked all the citizens to return from Pakistan ki baat kare to France. Okay. Next, which Indian wrestler has won gold medal in Asian Wrestling Championship ki baat kare to Vinesh Fogart aur Anshu Malik. Dono ko mila hai, dosto. Next, which day was celebrated on 16th April 2021? That is World Voice Day ho gaya. And who has become the first Indian woman to reach the summit of Mount Annapurna? Inka naam hai Priyanka Mohite, dosto. Okay. Next, how many gold medals has India won in the Women Asian Wrestling Championship ki baat kare to 7 gold medals inhone jeeta hai. Which birth anniversary of great Hindu philosopher and thinker Sri Ramanujacharya was celebrated on April 18 ki baat kare to 1004th anniversary inki banayi gayi hai. Which country has launched a first mega food park in India? Italy hai, important hai ye, exam mein pucha tha hai. And which day was celebrated on 19th April 2021 ki baat kare to World Liver Day banaya jata hai. Who created the history by making successful flight to Mars? That is NASA ka Mars helicopter. Which medal has been won by the Deepak Punia at the Asian Wrestling Championship in Almaty, Kazakhstan? Ye silver medal hai, dosto. What is the rank of India in ranking 180 countries in the World Press Freedom Index ki baat kare to 142nd hai, dosto. Okay. Which African country has declared trachoma free by WHO? That is Gambia ho gaya. Which day was celebrated on 21st April ki baat kare to National People's Day ho gaya, dosto. Who has been chosen as Miss World in the beauty pageant for married women? That is Kate Schneider. Or next, which day was celebrated on 22nd April 2021 ki baat kare to Old Earth Day manaya jata hai. Days important hai kyunki days ka jo hai koi current nahi hota hai, wo to static hote hain. Okay, aisa mat samjhiye sir, aap April 2021 ki current affairs padha rahe hain to ye pooch sakta hai kya? Kyunki jo bhi days hote hain aur jo jo important news hote hain, wo to important hi hai na, usko koi replace nahi kar sakta, right? तो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर? विशाखापट्टनम टू मुंबई से स्टार्ट किया गया. देखिए अभी स्टैटिक पार्ट बन चुका है, आप इसे बैक जाकर बदला नहीं सकते, राइट? तो ये पहला बन चुका है तो पहला ही रहेगा ये. तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा मार्स स्पेस क्राफ्ट परसेवरेंस हैज सक्सेसफुली मेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम विच गैस प्रेजेंट इन मार्शियन एटमोसफेयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डेट इंडियन वुमेन बॉक्सर विन एट ऑन गोइंग यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन पोलैंड की बात करें तो अप्रैल 27 तक. ओके, तो नेक्स्ट है, 7 मेडल्स इन्होंने जीते हैं दोस्तों. अप्रैल 22 में 7 मेडल्स इन्होंने जीते हैं. सो व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्लाइमेट समिट 2021 हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 22 टू 23 2021? दैट इज थीम ये आपको पूछ रहा है. सो व्हाट वाज द थीम? दैट इज अवर कलेक्टिव फास्ट रेस फॉर ईयर 2030. विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड बुक डे है. एंड हु हैज बीन नेम्ड एज Who has been named as World Book Capital 2021 by the UNESCO on April 23? That is Tbilisi. Georgia ka capital hai. Under which scheme will Prime Minister Modi distribute e-property cards to rural people? Swamitva scheme, dosto.
विच इंडियन माउंटेनियर हैज क्लाइम्ब नेपाल्स टेक्निकल माउंटेन लबूची कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स की बात करें तो अनिता कुंडू है दोस्तों। विच कंट्री हैज ज्वाइंड इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव दैट इज यूएसए एंड विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल की बात करें तो पंचायती राज डे है दोस्तों, पंचायती राज डे। विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च बाय द एआर रहमान टू एम्पावर इंडिपेंडेंट इंडियन म्यूजिशियन ऑन अप्रैल 24 दैट इज माझा, माझा की बात करें। सो विच डे वॉज सेलिब्रेट ऑन 25 अप्रैल 2021 दैट इज मलेरिया डे। ओके, एंड इंटरनेशनल माउंटेनियर अनिता कुंडू ऑफ हिसार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर विच अवार्ड दैट इज अप्रैल 25 की बात करें तो तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड इनको दिया गया। हु हैज बीन गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म अंडर 93rd ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो नॉमड लैंड है दोस्तों, नॉमड लैंड याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि अभी तक ऑस्कर नहीं हुए हैं तो तब तक यही इंपॉर्टेंट है। हु हैज गिवन द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर दिस 93rd ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो एंटनी हॉपकिंस हो गए और फ्रैंकिस मैकडॉर्मेट हो गया दोस्तों। और 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। विच इंडियन वुमेन टीम हैज वन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप दैट इज रिकर्व टीम। एंड विच कंट्री प्रोजेक्ट दंतक हैज बीन इन द हेडलाइंस दैट इज भूटान हो गया। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन अप्रैल 26 द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन ऑफ विच स्टेट हैज बीन डबल ओडिशा दोस्तों। हु ओन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल दैट इज राफेल नडाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड की बात करें तो अमित बनर्जी को अपॉइंट किया गया है। ए बिल हैज बीन पास्ड विद द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिका टू मेक सिटी द 51st स्टेट दैट इज वॉशिंगटन DC। विच कंपनी हैज अनाउंस टू प्रोवाइड ए फाइनेंसिंग 135 crores दैट इज गूगल दोस्तों। विच बैंक हैज लॉन्च इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 28 अप्रैल को लेबर मेमोरियल डे मनाया जाता है। एंड विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेट पैट क्यूमिंस हैज डोनेटेड $50,000 टू PM केयर फंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया, याद रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज अक्वायर्ड डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय की बात करें तो लेंसकार्ट हो गया। विच कंट्री कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ फेस कवरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस दैट इज श्रीलंका हो गया। ई पंचायत पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज किसको दिया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया था दोस्तों। सो नेक्स्ट, अप्रैल 28 को कौन सी कंट्री हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर बनी थी, अमेरिका हो गया। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 29 अप्रैल विद द पर्पज ऑफ डांस दैट इज इंटरनेशनल डांस डे। विच इंडियन कंपनी हैज मेड टू द लिस्ट ऑफ टाइम्स मैगजीन ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, द करेक्ट आंसर इज जियो, याद रख लीजिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, हरियाणा दोस्तों। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अपॉइंटेड एज कमांडिंग ऑफिसर इन BRO ऑन अप्रैल 29 की बात करें तो वैशाली यस हिवासे है। विच कंट्रीज इन द टॉप इन द चैंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 की बात करें अप्रैल 29 दैट इज फिनलैंड हो गया दोस्तों। और इंडिया का रैंक कितना है ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 49th रैंक है हमारा। विच कंट्री हैज लॉन्च ए रोबोटिक प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस दैट इज चाइना हो गया। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 की बात करें तो कृति करंत है दोस्तों। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे मनाया जाता है। एंड टू कंट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ था खंजर, ये किस दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ था, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था दोस्तों। सो नेक्स्ट, विच कंट्री हैज प्रोनाउंस टू स्टॉप कोल प्रोडक्शन बाय 2049, तो पोलैंड ने अपने वादा किया है कि ये पूरा कोल प्रोडक्शन ही रोक देंगे बाय 2049। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज अरोका, ये कहाँ पे आया था, पुर्तगाल में आया था दोस्तों। एंड 61st फाउंडेशन डे जो May 1st को बनाया जाता है, किसका किसका होता है, महाराष्ट्र और गुजरात का होता है। विच इंडियन टीचर हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान दैट इज श्यामला गणेश। पंडित देवराज चौधरी अलियास देबू चौधरी पास्ड अवे दैट इज सितार प्लेयर थे दोस्तों ये। एंड हु हैज बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप ए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी दैट इज इंडिया हो गया दोस्तों। हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन एन अटैक ऑन ए आर्मी पेट्रोल इन द तहुआ एरिया ऑफ नाइजर की बात करें तो 16 सोल्जर्स हैं। हु बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया दैट इज अर्जुन कल्याण। और May 3 को जब इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक अफेयर ये थीम था तो कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। बाय व्हाट नेम हैज रशिया डेवलप ए फर्स्ट वैक्सीन फॉर द एनिमल्स की बात करें तो कार्निकेव को, याद है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टेकन स्टेप टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ विच पॉली हर्बल ड्रग दैट इज आयुष 64 दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट, हु हैज बीन चूजन एज ए एथलीट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक, एथलीट एम्बेसडर एक्चुअली फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की बात करें तो PV सिंधु इंडिया और माइकल लीक कनाडा को चुना गया था दोस्तों कैंपेन के लिए। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर दैट इज मुंबई। एंड हु हैज वन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप दैट इज मार्क सेल्बी बाय डिफीटिंग मॉर्फे दोस्तों, याद रख लीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज रामन मीनाक्षी नंदाराम। एंड विथ विच थीम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 5th
सेकेंड सेव लाइफ्स क्लियर योर हैंड एंड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड सौरापॉड डायनासोर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड नियर वेस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय दैट इज 100 मिलियन ईयर्स हु हैज बीन अवार्डेड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड द स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 22nd लॉरस ओल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2021 की बात करें तो राफेल नडाल हो गया एंड नोआमी ओसाका हो गया दोस्तों और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है ओके एंड न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था दोस्तों ये कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था हैप्पी बर्थडे इनका फिल्म का नाम था एंड 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड विच ड्रग हैज़ बिन डेवलप बाई DRDO फॉर कोरोना इन्फेक्शन दैट इज 2-deoxy-D-glucose विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाई CBSE टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की बात करें तो दोस्ती फॉर लाइफ सो नेक्स्ट हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू द ग्लोबल टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों WHO हैज अलाउड द वैक्सीन ऑफ विच चाइनीज कंपनी टू बी यूज इन इमरजेंसी साइनोफॉर्म विच माउंटेनियर फ्रॉम नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट एवरेस्ट फॉर 25th टाइम कामी रीता शर्पा हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड 9th मे दैट इज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 9th मे को वर्ल्ड मदर्स डे भी मनाया जाता है दोस्तों याद रख लीजिए एंड हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन टेनिस की बात करें तो एशलिक बाटी विच यूनियन टेरेटरी हैज रिसीव द टारगेट ऑफ हर घर जल दैट इज पुडुचेरी हो गया द महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे हैज टॉक अबाउट द प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट टू पेशेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस किस स्कीम के अंडर दैट इज महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर 2021 की बात करें तो डॉक्टर शकुंतला हर सिंह थिलसाड़ है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 15th शेख जईद बुक प्राइज की बात करें तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है विच डे was celebrated in May 12th, that is International Nurses Day. Next, which country has announced a ban on the export of animals for the slaughterhouses? That is England ne ban kar diya hai completely. Which country has conducted the first test of metro services on May 12th? That is Bangladesh. Who has won the English Premier League of 2020-21? That is Manchester City jeeta hai by defeating Manchester United. Who has been appointed by the BCCI as a head coach of Indian senior women cricket team ki baat kare to Ramesh Pawar ho gaye. विच कंट्री टीम कंटिन्यूअसली टू द टॉप ऑफ ICC टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडियन टीम एंड इलॉन मस्क कंपनी टेस्ला हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन विच वर्चुअल करेंसी दैट इज बिटकॉइन विच मोबाइल ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय द मणिपुर गवर्नमेंट फॉर होम डिलीवरी ऑफ द फ्रेश वेजिटेबल्स दैट इज मोमा मार्केट 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है एंड हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल की बात करें तो पेम्पा शेरिंग है दोस्तों पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज साइन इन विच सिटी टू बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दट इज मलेरकोटला विच इंडियन ऑरिजिन मैन हैज बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस दट इज नीरा टंडन है दोस्तों द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड ए मिशन हौसला टू सप्लाई एसेंशियल मटीरियल्स टू कोविड पेशेंट्स की बात करें तो उत्तराखंड हो गया विच साइक्लिक स्टॉर्म हैज कॉज्ड ए मैसिव डिस्ट्रक्शन अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट की बात करें तो तौते है दोस्तों एंड विच स्टेट फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन मे 16 की बात करें तो सिक्किम हो गया एंड हु हैज वन द यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ एज ए रिचर्ड ब्लैंड इंग्लैंड में दोस्तों विच कंट्री लॉन्च इज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सुमार की बात करें तो ईरान हो गया और हाइपर टेंशन डे जो कि 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इसका थीम क्या है मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी मनाया जाता है एंड हु ओन द मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल इस बार जो है जीता था एंड्रिया मेजा ने दोस्तों यहाँ देख लीजिए एंड हु हैज वन द 10th इटालियन ओपन टाइटल बाई डिफीटिंग द वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोवियाक दैट इज राफेल नडाल अंडर विच स्कीम यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैज स्टार्टेड ए कॉल सेंटर फॉर एल्डरली दैट इज एल्डर लाइन स्कीम विच एनिमल ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द बिग 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दैट इज नेशनल एनिमल एशियाटिक टाइगर हु हैज बीन नेम्ड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करें तो उदय उमेश ललित है Which app has been launched by the Bihar government for monitoring home isolated COVID-19 patient? That is HID COVID app, dosto. Next, dekh lete. So, which women team has defeated Chelsea to win the Women's Champions League title for the first time? That is Barcelona Women, dosto. And the cabinet of which state has approved the formation of legislative council in the state? To kisne ye actually approve kiya tha, dosto? The correct answer is West Bengal. West Bengal ne approve kiya tha. नेक्स्ट विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन मे 18 की बात करें तो मे 18 को जो है एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है क्लियर हो गया और नेक्स्ट व्हाट रिमाइंड्स ऑफ द फर्स्ट प्लेस इन द टेनिस रैंकिंग रिलीज बाय ATP की बात करें तो हु रिमाइंड सॉरी नॉट व्हाट रिमाइंड्स इज हु रिमाइंड्स द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज अ बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दैट इज शिव सुंदर दास जी को अपॉइंट किया गया दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स
रिलीज ऑन मे 18। हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो जेफ बेजोस है दोस्तों। ये आउटडेटेड एक्चुअली न्यूज़ है, अभी रिचेस्ट पर्सन कौन है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अभी भी वही हैं या एलॉन मस्क आ चुके हैं या क्या हुआ है, कौन है अभी रिचेस्ट पर्सन ये आपको मुझे बताना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज अवार्डेड एज अ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइस ऑन मे 19 की बात करें तो शंकर बालासुब्रमण्यम जी हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, विच सिक्स इंडियन साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रोबेबल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को की बात करें तो पहला गंगा घाट हो गया वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम हो गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व हो गया, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट हो गया, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर हो गया, बेड़े घाट हो गया और लमठे घाट ऑफ जबलपुर हो गया दोस्तों। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन मे 20 की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और बी डे बनाया जाता है। हु हैज बीन डिजाइंड एज ए ऑक्सीजन रिसाइकिलिंग सिस्टम इंडियन नेवी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अमृत वाहनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स दट इज झारखंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स कमेटी श्रीजेश पराटू। हु हैज बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन एशिया की बात करें तो गौतम अदानी है, पहले मुकेश अंबानी है। विच डिस्ट्रॉयरशिप ऑफ इंडियन आर्मी वॉज डी कमीशन आफ्टर 41 ईयर्स की बात करें तो INS राजपूत। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21st में दट इज एंटी टेररिज्म डे दोस्तों। विच कंट्री मीडिएटेड द एंड ऑफ द सीज फायर बिटवीन इजराइल पलस्तीन एंड गाजा दट इज इजिप्ट खतर और यूनाइटेड नेशन। विच आयरलैंड वेटरन फास्ट बॉलर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इनका नाम है बॉन्ड रैंकिन दोस्तों। और इस बार का हु हैज अवार्डेड द इथिन गिलक्रिस्ट अवार्ड की बात करें तो हॉकी इंडिया हो गया। वेयर विल फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 2022 की बात करें तो इंडिया दोस्तों। पार्लियामेंट ऑफ केनिया हैज डिसाइडेड टू मेक द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दट इज मार्था कूम। और 22 मई 2021 को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ऑक्सीजन सेल्फ लैंड स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो गया। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एज अ स्पेशल एनवॉय फॉर द नॉर्थ कोरिया दैट इज सुंग किम। नेक्स्ट हो गया हमारा, विच वाल्कनी ऑफ द कांगो हैज एरप्टेड आफ्टर 19 ईयर्स दैट इज नैरा गंगो। एशिया कप 2021 टू बी हेल्ड इन श्रीलंका, हु हैज पोस्टपोन्ड COVID-19 की वजह से, तो अभी ये आपको 2023 में होने वाला है, इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लॉ पनिशिंग फ्रॉडलेंट मैरिटल कन्वर्जन की बात करें तो गुजरात ने पास किया है। और 24 मई को जो है कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। और विच कंपनी हैज़ अनाउंस सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज की बात करें तो टाटा स्टील हो गया। विच टेनिस प्लेयर हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करें तो अंकित रैना हो गया दोस्तों। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन मोहाली हॉकी स्टेडियम इन पंजाब विल बी नेम्ड आफ्टर पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर दोस्तों। विच डिजिटल कंपनी हैज़ लॉन्च ए COVID-19 वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया की बात करें तो भारत पे ने इसको निकाला है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन सरपासिंग द जेफ बेजोस। देखिए नेक्स्ट बदल गए हमारे जेफ बेजोस, अभी बर्नार्ड अर्नॉल्ड आ गए हैं दोस्तों, बर्नार्ड अर्नॉल्ड आ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, सो विच स्टेट हैज लॉन्च संजीवनी प्रोजेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 पेशेंट्स की बात करें तो कौन सा स्टेट एक्चुअली ये लॉन्च किया था, हरियाणा ने लॉन्च किया था दोस्तों। ओके, हरियाणा हैज लॉन्च्ड। नेक्स्ट, विच डे वाज ऑब्जर्व ऑन मे 25th की बात करें तो वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है मे 25th को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर 7 स्टेट्स ऑफ कंट्री की बात करें तो टोटल 143 दोस्तों, याद रख लीजिए। सो टोटल 143 स्टेट्स सेंटर्स ओपन करने की बात की है। हु हैज बीन अवार्डेड एज ए इंटरनेशनल डुबलिंग लिटरेरी प्राइस की बात करें तो वैलेरिना लुसेली है। विच लैंड हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लैंड सीलिंग एक्ट बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दैट इज टी गार्डन्स। नॉर्दर्न रेलवे हैज इशूड ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ड्यू टू विच प्लेयर वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर, क्या नाम है इनका, रेजलर सुशील कुमार। हु हैज बीन नेम्ड एज यास स्टॉर्म दैट कॉज्ड हैवी डिस्ट्रक्शन इन अदर स्टेट्स दैट इज ओमान हो गया दोस्तों। द वर्ल्ड फर्स्ट मैन टू गेट कोरोना वैक्सीन हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम, दैट इज विलियम शेक्सपियर। ओके, सो विच इंडियन वेट लिफ्टर ओन द सिल्वर मेडल इन 73 kg वेट कैटेगरी एट द वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो अचिंता शुएली है। विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अवार्डेड गोल्डन वीजा बाय UAE की बात करें तो संजय दत्त हो गया। एंड विच डे वॉज सेलिब्रेट ऑन मे 20th दट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हो गया दोस्तों। एंड हु हैज वन द सीरियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दट इज बशार अल असद। एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अपोलोजाइज फॉर इज रोल इन द 1994 जीनोसाइड इन रवांडा की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो गए दोस्तों। विच अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड दिया गया। वो हैज़ बिन अवार्डेड विद द ऑडियंस अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 19th लॉस एंजल्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये डायरेक्टर अजित पाल सिंह की फिल्म थी द फायर इन द माउंटेन्स। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात करें तो US बन चुका है अभी। पहला सिंगापुर था, अभी सेकेंड US है दोस्तों, सेकेंड पूछ रहा है, याद रख लीजिए। सो विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 29th, दैट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। विच स्कीम हैज़ बिन अनाउंस बाय द असम गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस देर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड, दैट इज मुख्यमंत्री शिशु शिवा योजना। विच स्कीम हैज़ बिन अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस देर पेरेंट्स की बात करें तो PM किड्स बाल योजना दोस्तों। विच स्टेट सेलिब्रेटेड फाउंडेशन डे की बात करें तो गोवा हो गया। इन विच कंट्री ए मिक्सचर ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस हैज बिन डिटेक्टेड, वियतनाम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज बिन अनाउंस ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोरोना अंडर बाल सहायता योजना की बात करें तो टोटल 1500 रुपीज़ मंथली देने की बात की है। 31st मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ग्रांट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करें तो गुजरात हो गया। हु हैज़ अवार्डेड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन अमेरिका टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, दैट इज आर्थर म्यूर। एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट की बात करें तो जैंग यू ह्यूंग दोस्तों। विच स्टूडेंट ऑफ केरला हैज़ गिवन द UAE गोल्डन वीजा इन एक्सेप्शन स्टूडेंट कैटेगरी, तस्लिम असलम जी को दिया गया। हु वन द बेलग्रेड ओपन टाइटल ऑन May 31st, दैट इज नोवाक जोकोविक। और 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। एंड वेयर TCS हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर की बात करें तो एम्स्टरडैम हो गया दोस्तों। एंड विच डिक्शनरी हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द रेखता फाउंडेशन फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू की बात करें तो रेखता डिक्शनरी। WHO हैज़ नेम द टू वेरियंट्स B.1.617.1 एंड B.1.617.2 ऑफ द फर्स्ट कोरोना वायरस, इसको कप्पा और डेल्टा के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज 30 जनवरी एज वर्ल्ड एंटिटी डे। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रीजॉइन द ओपन स्काई ट्रीटी की बात करें तो अमेरिका हो गया। द यूनियन कैबिनेट हैज साइंड ए MOU फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन विच कंट्री, दैट इज जापान हो गया दोस्तों। द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया पास्ड अवे, दैट इज TM कल्याण गौंडर है दोस्तों। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ 31st एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन है दोस्तों। कौन सा 4th पोजीशन है? पहला आपको कजाकिस्तान है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन ब्लाइंड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट की बात करें तो चाइना का जैंग हॉन्ग हो गया। एंड हु हैज डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर MBTAG की बात करें तो IIT रोपार ने इसको लॉन्च किया है। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 3rd, 2021, दैट इज वर्ल्ड बाइसिकल डे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ June 4th, 2021, CSIR हैज लॉन्च ए न्यू टेक्नोलॉजी बाई विच नेम टू डिसइनफेक्ट द वाटर, द करेक्ट आंसर इज स्वास्तिक दोस्तों, याद रखिए स्वास्तिक। हु हैज टॉप द ICC वुमेन T20 रैंकिंग रिलीज, दैट इज शिफाली वर्मा हो गया। हु हैज बिन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की बात करें तो नितिन राकेश है और जेरी वाइंड है दोस्तों। ओके, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ इंडिया बाई व्हाट्सएप की बात करें तो परेश बिलाल हो गया। RBI हैज एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर बाई वॉट परसेंट, बाई 9.5%। ओके, 2021-22 की बात करो तो 9.5%। विच कंट्री गवर्नमेंट हैज बैंड ए ट्विटर की बात करें तो नाइजीरिया ने कंप्लीटली बैन कर दिया इसको। और इंडस बेस्ट फूड पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन छत्तीसगढ़। हु हैज वन द नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो थॉमस विजयन हो गया दोस्तों। एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th, क्या थीम था है? प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरमेंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ASJ विद्या प्रकाश है। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के जो एजुकेशनल एडवाइजर बने उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई राजस्थान गवर्नमेंट फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग स्कीम। विच पार्क लोकेटेड इन खोराझर असम हैज डिक्लेयर एज अ 6th नेशनल पार्क फॉर द स्टेट ऑन June 6th की बात करें तो रायमोना पार्क था दोस्तों, रायमोना पार्क। व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द नेशनल रैंकिंग ऑफ अनिमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21 की बात करें तो 3rd है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का पहला MP है। और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया जाता है। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द फेसबुक एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर, दैट इज स्फूर्ति प्रिया। इसरो हैज डेवलप्ड 3 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स, क्या क्या नाम है इनके? प्रणा, वायु और स्वस्थ हो गया दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन
दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, विच एरिया ऑफ गुजरात हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिकम इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया, विच टू बैंक हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीति आयोग, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक. दोस्तों सो इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड द विच थ्री इंडिजिनियसली बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, दैट इज ALH मार्क 3, हु हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की बात करें तो रिया चक्रवर्ती हो गए दोस्तों. विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 8 की बात करें तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशन डे हो गया. विच इनिशिएटिव डिड सुनील शेट्टी स्टार्ट ऑन जून 8 की बात करें, दवा भी और दुआ भी दोस्तों यहाँ देख लीजिए. सो हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन इन द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट इन 158 ईयर हिस्ट्री की बात करें तो देबी हैविट हो गया. हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो संजीव सहाय हो गया दोस्तों. हु हैज रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो वाटर बरियल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और जून 9 को वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे मनाया जाता है. द इंटरपोल हैज लॉन्च ए न्यू ग्लोबल डेटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन, दैट इज आई फेमिलिया. क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैज लॉन्च ए वेबसाइट बाय विच नेम फॉर द पर्पस ऑफ क्रिकेट कोचिंग की बात करें तो क्रिक कुरु दोस्तों. रिसेंटली एल सल्वाडोर हैज अप्रूव्ड ए बिल टू मेक द विच करेंसी लीगल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया वहाँ पे. वेयर विल बी द, जैसे कि स्पेशली बिटकॉइन हो गया वहाँ पे. वेयर विल द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल मेरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर सेटअप, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड एट गिफ्ट सिटी दोस्तों. विच हैज बीन डिक्लेयर एज ए 7th नेशनल पार्क ऑफ असम की बात करें तो देहिंग पटकाई. एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करें तो 67th रैंक. एंड विच हैज बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल स्मॉग टावर्स, दैट इज दिल्ली. विच प्लेटफॉर्म इज ऑफिशियल हैंडल ऑफ नाइजीरियन गवर्नमेंट नाउ ऑन आफ्टर ए स्टैंड अप विद द ट्विटर की बात करें तो कू, याद देख लीजिए. सो विच जैम्बेबियन राइटर हैज वाज गिवन द पेन प्रिंटर प्राइज की बात करें, सीसीसी दगरम्बा. एंड हु हैज वन द मिक्स डबल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन ऑन जून 10 की बात करें तो डिजायर क्रॉसिक और जॉय सैलिसबरी है दोस्तों. विच स्टार लेजर ऑफ इंडिया हैज वन द गोल्ड मेडल इन 53 kg पोलैंड ओपन चैंपियनशिप की बात करें तो विनेश फोगाट हो गया. हु हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप ऑफ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ऑकलैंड हो गया दोस्तों. एंड हु हैज वन द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड एट 23rd एडिशन ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये है तिलोत्तमा शोम ने दोस्तों. एंड विच कंट्री नेवी इज मेकिंग फर्स्ट फुली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इक्विप शिप की बात करें तो रशिया हो गया. एंड विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 12th, दैट इज ओल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है. ओल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है दोस्तों. विच अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, मेगा राजगोपालन. एंड विच प्रोफेसर ऑफ IIT रुड़की हैज बीन ऑनर्ड विद NSG अवार्ड फॉर एक्सप्लोशन रेसिस्टेंट हैमलेट की बात करें तो शैलेश गोविंद गनपुले. हु हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स 2021 बाय फोर्ब्स की बात करें तो DBS बैंक हो गया. हु ओन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ सेकंड ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन ऑफ द ईयर की बात करें तो नोवाक जोकोविक हो गया दोस्तों. विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्स हॉल ऑफ फेम की बात करें तो विनो मांखड़ हो गया दोस्तों. एंड जून 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है. विच पुणे बेस्ड कंपनी हैज बीन प्रिपेयर्ड एन इन्फेक्शन रेसिस्टेंट 3D प्रिंटेड मास्क, दैट इज थिसोर टेक्नोलॉजीज ने बनाया था दोस्तों. विच इंडियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर ओपन डिफिकेशन फ्री अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो लद्दाख हो गया. एंड हु बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू ज्वाइन इंडियन लीडिंग शॉर्ट वीडियो ऑफ मोस की बात करें तो ऋषभ पंत. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UNCTAD सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो रेबिका ग्रिस्पेन हो गया दोस्तों. एंड वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री किसे कहा गया है, इसराइल को कहा गया. हु हैज बिकम द सेकेंड यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बाई विनिंग $15,000 गेलफैट चैलेंजेस टाइटल की बात करें तो टी गुकेश. एंड वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 114 कंट्रीज इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक भी वर्ल्ड 14 ही है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. एंड हु इज एट द नंबर 1 इन द मेन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग रिलीज बाय स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया. वेर इज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड, दैट इज अफ्रीकन कंट्री बोट्सवाना दोस्तों. एंड विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 17, दैट इज ओल्ड डे ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन. एंड विच पार्टी पंजाब एकता पार्टी इज अराउंड मर्जर, कांग्रेस के साथ मर्ज करने की बात की है. विच मैन स्पेसक्राफ्ट हैज बीन लॉन्च बाय द चाइना थ्रू लॉन्ग मार्च 2F ऑन जून 17 की बात करें तो शेंझाओ 12 है दोस्तों. हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कश्मीर टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माफूस इलाही है. इन विच नेवल एक्सरसाइज इंडियन वॉरशिप त्रिखंड हैज पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो INEU, दैट इज इंडिया और यूरोपियन यूनियन नाफार है दोस्तों. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की बात करें तो 135th रैंक है. ओके. एंड विच इंडियन कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्ट हैज बीन अवार्डेड नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी अवार्ड की बात करें तो प्रभाकर पंचपुते है दोस्तों. इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एग्रीमेंट टू इंक्रीज द कोऑपरेशन इन एनवायरमेंटल सेक्टर, दैट इज भूटान हो गया. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ए टू एम्बिशियस स्कीम इन द नेम ऑफ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार है दोस्तों। एंड विच डे वॉज ऑब्जर्व ऑन June 20, 2021 की बात करें तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हो गया। विच स्कीम हैज बीन अनाउंस बाई उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन दैट इज आशीर्वाद योजना। हु हैज वन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मैक्स वर्स्टापन। विच वुमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर हैज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग वुमेन फाइटर इन इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो माविया सुडान हो गया। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स हॉकी टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो मनप्रीत सिंह। एंड हु हैज बीन अवॉर्डेड एज यूरोपियन प्राइज इन्वेंशन 2021 की बात करें तो सुमित्रा मित्रा हो गया दोस्तों। एंड हु विल बी द फर्स्ट ट्रांस एथलीट टू कंप्लीट ओलंपिक्स एज ऑफ June 22 की बात करें तो वेट लिफ्टर लॉरेल हबार्ट। विच स्टेट हैज बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स, ये उड़ीसा हो गया दोस्तों। और 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। एंड हु वन द फर्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो न्यूजीलैंड हो गया दोस्तों। एंड विच जमैकन फीमेल रनर हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर एवर आफ्टर 100 मीटर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्लोरेंस, द करेक्ट आंसर इज शेली एन फ्रेजर प्राइस। हु हैज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी हो गया। हु हैज संग द इंडियाज ऑफिशियल सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है फॉर टोक्यो समर ओलंपिक्स की बात करें तो मोहित चौहान ने गाया है इसको। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप द जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी की बात करें तो राजस्थान। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन कन्फर्ड विद विच अवार्ड दैट इज रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 25, सेलर्स एंड विटिलिगो डे। हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट मोर देन 3 करोड़ पीपल की बात करें तो महाराष्ट्र हो गए। एंड विच टू सिटीज वर जॉइंटली अवार्डेड द स्मार्ट सिटी अवार्ड की बात करें तो इंदौर इन मध्य प्रदेश एंड सूरत इन गुजरात। 26 जून को एंटी ड्रग डे मनाया जाता है। एंड विच हैज बिन डिक्लेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड फॉर फॉरिन वर्कर्स दैट इज अशकाबाद है दोस्त अशकाबाद। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू केम फ्री फ्रॉम रैबिस की बात करें तो गोवा हो गया। एंड इंडियन आर्चर अतानु दास एंड दीपिका कुमारी क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय विनिंग विच मेडल बाय मिक्स डबल्स एट द पैरिस आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें तो गोल्ड मेडल हो गया। हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बेस्ट 100 कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया के 6 कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया दोस्तों। एंड विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 29, दैट इज स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। एंड विच कंट्री हैज सेट अ न्यू यूरो रिकॉर्ड फॉर बींग ए फर्स्ट टीम टू स्कोर 5 गोल्स इन कॉन्जिक्यूटिव मैचेस ऑफ यूरो कप की बात करें तो स्पेन हो गया दोस्तों। एंड हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द शॉर्ट पुट इवेंट इन द नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन की बात करें तो तजेंद्र सिंह तूर दोस्तों तजेंद्र पाल सिंह तूर। ओके सो हैज बीन ऑनर्ड विद द जापान फुकुआ ग्रैंड प्राइज की बात करें तो जर्नलिस्ट पी साइना जी को दिया गया है। एंड बिटवीन विच टू कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मुस्तफा केमल अतरतुक हैज बीन स्टार्टेड इन बाकू की बात करें तो तुर्की और अजरबैजान के बीच में ये हुआ था। हु हैज बीन अवार्डेड एज अ PC महलनोबिस नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर RB ब्रह्मन हो गया दोस्तों और बर्मन। और 30 जून को इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। और विच इंडियन शूटर वोन द गोल्ड मेडल इन IESSF वर्ल्ड कप शूटिंग ऑन June 30 की बात करें तो राही सरनोबत। हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू डेब्यू इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट की बात करें तो शफाली वर्मा। विच स्पेस एजेंसी विल अपॉइंट डिसेबल एस्ट्रोनॉट्स ऑफ June 30 की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया दोस्तों। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बैन फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट अंशुला राव। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत ये कब कमीशन करने की बात की है 2022 में। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ July 1st विच कंट्री हैज बिल्ट अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की बात करें तो चाइना। एट विच प्लेस एशियाज लॉन्गेस्ट नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक हैज बीन इनॉग्रेटेड पीतमपुर इंदौर दोस्तों। और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और GSD डे भी मनाया जाता है। हु टोको ओवर द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें एयर मार्शल विवेक राय चौधरी। व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो 10th रैंक है दोस्तों। एंड वेयर वॉज द 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हेल्ड फ्रांस में हुआ था। एंड विच बैंक हैज लॉन्च ए सलाम दिल से इनिशिएटिव दैट इज HDFC। एंड हु वाज गिवन द केवंपू नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2020 की बात करें तो ओडिया पोएट हो गया राजेंद्र किशोर पांडा। डोनाल्ड एम्सफील्ड पास्ड अवे ऑन July 1, 2021। ही वाज अ फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री की बात करें तो अमेरिका हो गया दोस्तों। हु बिकेम द यंग चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा। ओके 12 साल के ही थे। एंड विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन July 2 ओल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है दोस्तों। एंड व्हाट इज द रैंक इन द सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 20 है दोस्तों। फर्स्ट रैंक आपको अमेरिका का था। क्लियर। सो बाय हाउ मेनी इयर्स द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन वाज इंक्रीज्ड 62 इयर्स कर दिया गया अभी।
एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की बात करें तो माना पटेल, विच गॉट द ऑफिशियल रिकग्निशन एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd July 2021 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, हु सेट द ओल्ड रिकॉर्ड इन मेन्स 400 मीटर हर्डल्स एट डायमंड लीग एथलेटिक्स की बात करें इन ओस्लो दैट इज कार्स्टन वॉरहोम ऑफ नॉर्वे, एंड विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज मलेरिया फ्री बाय WHO की बात करें तो चाइना हो गया दोस्तों, हु इज द टॉप स्टेट इन द कोल प्रोडक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया, एंड हु कंप्लीटेड द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट एट द न्यू तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो है इन्होंने कंप्लीट किया है, और हु वन द गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन चेस टाइटल की बात करें तो ये किसने जीता है दोस्तों ऑन July 4th दैट इज लेवन एर्नोनियन ऑफ आर्मेनिया दोस्तों, याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा हु वन द FIDE chess.com वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप ऑन July 4th की बात करें तो करेक्ट आंसर है हु योफान ऑफ चाइना दोस्तों, ओके, और रनर अप को थे डी हरिका ऑफ इंडिया। हु वन द ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स ऑन July 4th की बात करें तो मैक्स वर्स्टापन ने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। हु हैज बीन चूजन एज अ फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कंटीजन एट टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी दैट इज MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह को दिया गया ओपनिंग सेरेमनी। कभी कभार आपको क्लोजिंग सेरेमनी भी पूछ लेता है, वो भी याद रख लीजिए, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में आएगा। एंड हु विल बी द फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन कंटीजन एट क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो रजलिंग बजरंग पुनिया, एंड हु टुक ओवर एज अ न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया की बात करें तो अतुल कश्यप हो गया दोस्तों, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो मिथाली राज हो गया। सो इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बिल्ड दैट इज जयपुर हो गया दोस्तों, एंड विच कंट्री हैज लॉन्च ए न्यू सैटेलाइट FY3E फॉर बेटर वेदर फॉरकास्टिंग की बात करें तो चाइना, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए मुख्यमंत्री COVID-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम की बात करें तो दिल्ली हो गया, एंड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर वॉज ऑर्गेनाइज वर्चुअली कहाँ पे हुआ था इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, विच ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वॉज लॉन्च बाई दी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज की बात करें तो मत्स्य सेतु दोस्तों, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी नेचुरल पेंट की बात करें तो नितिन गडकरी साहब, एंड हु वन द एयर ट्रांसपोर्ट ओल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड July 6th की बात करें तो कोरियन एयर, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6th July दैट ओल्ड जुनोसिस डे हो गया, एंड विच एक्टर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98 इन मुंबई की बात करें तो दिलीप कुमार है दोस्तों, इनका असली नाम जो मोहम्मद यूसुफ खान है। नेक्स्ट विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7th July वर्ल्ड चॉकलेट डे, विच कंट्री प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस वॉज असैसिनेटेड एट होम, ये हाइती के प्रेसिडेंट थे। वेयर विल द वुमेन एशियन कप 2022 बी अनाउंस दैट इज मुंबई एंड पुणे। द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था, और जम 5-star रेटिंग अवार्ड बाय अशोशाम किसको दिया था दोस्तों, टू अबीबगंज रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट पास द रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वेस्ट बंगाल, आफ्टर विच एक्ट्रेस ऑफ द इंडियन आर्मी एज नेम वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस विद्या बालन हो गया दोस्तों, एंड हु गॉट द फर्स्ट फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिला गया दोस्तों, एंड हु वन द सर्बिया ओपन चेस टाइटल बेलग्रेड की बात की तो इंडियन ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिलीज रिसीव्ड ऑन July 9th विच कंट्री हैज बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल की बात करें तो डेनमार्क हो गया, एंड INS नेवल शिप जो तलवार है कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज दैट इज इटालियन नेवी। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम ऑफ फ्रेश वाटर वॉज एस्टैब्लिश ऑन July 9th एट विच रेलवे स्टेशन क्रांतिवीरा संगोली रमन रेलवे स्टेशन दोस्तों। इन विच इंडियन सिटी अमेजॉन हैज सेटअप इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर की बात करें तो इंपॉर्टेंट है सूरत में इसको सेटअप किया गया। हु हैज वन द स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर की बात करें तो जिला अवंत गार्डे है। विच फिल्म हैज बीन एडेड टू द कलेक्शन बाय द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की बात करें तो आमिर खान की जो PK है ना उसको भी ऐड कर दिया गया। पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 ये July 10th को कौन से स्टेट ने लाया था, उत्तर प्रदेश ने लाया था दोस्तों। वेयर वॉज मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की कहाँ पे हुई थी, वेनिस में हुई थी। हु वन द मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन टेनिस की बात करें, नोवाक जोकोविक एंड एशली बार्टी है दोस्तों। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनॉग्रेटेड दट इज दियोबन उत्तराखंड। द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस नागपुर में आया। विच कंट्री हैज डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन 3-shot सोबराना 2 की बात करें तो क्यूबा में इसको लाया गया था दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द ट्विटर एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया की बात करें तो विनय प्रकाश। हु बिकम द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू फ्लाई स्पेस दैट इज शिरीषा बांडला। 11 July को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इस बार का जो कोपा अमेरिका टाइटल है वो अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों, राइट। और यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप इटाली ने जीता है, ओके, कन्फ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट हु वन द क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर, दैट इज मैक्सिम वखायव लागरेव ने जीता है। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। और विच कंट्री हैज साइंड अग्रीमेंट फॉर विथ इंडिया फॉर 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल प्रोजेक्ट, दैट इज नेपाल। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। एंड इंडियन ऑरिजिन प्लेयर वोन द जूनियर सिंगल टाइटल एट विंबलडन, दैट इज समीर बनर्जी। हु चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर, दैट इज टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। वेयर विल एनटीपीसी सेटअप द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, कच्छ गुजरात दोस्तों। ओके, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन विल प्रोड्यूस रशिया स्पुटनिक वी वैक्सीन, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट की बात करें तो भूटान हो गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम की बात करें तो कर्नाटक हो गया। विच स्टेट हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फेथ एंड कल्चर की बात करें तो असम हो गया। हु हैज अवार्डेड द बीकेएस लिटररी अवार्ड, एनएन पिल्लई हो गया दोस्तों। और यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जो पुर्तगाल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को दिया गया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश, पटना। एंड विच एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम यूएस बेस्ड एरोस्पेस की बात करें तो P-8I दोस्तों, P-8I, विच बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज जज ऑफ जिम्नास्टिक की बात करें तो दीपक कामरा। विच कंट्री हैज गॉट द होस्ट ऑफ सुधीरमन कप 2023, दैट इज चाइना। विच कंट्री हैज गॉट द होस्ट ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, दैट इज इंडिया। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द इंडिया टू स्कोर 14,000 रन इन T20 क्रिकेट की बात करें तो क्रिस गेल जी को मिला है दोस्तों। टू विच कंट्री दैट इंडिया सेंड ए कॉटन बेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रेल की बात करें तो बांग्लादेश को भेजा है हमने। सो नेक्स्ट, हू रिप्रेजेंट द इंडिया इन द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन काउंसिल, दैट इज यश जयशंकर। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया दोस्तों। और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। हु लॉन्च द चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे फॉर टोक्यो ओलंपिक, AR रहमान। ओके, सिंगर इसके अनन्या बिरला थे। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज ओपन द फर्स्ट ग्रीन ATM की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा हो गया दोस्तों। एंड वॉट वॉज रीनेम एज मंडोडवा रेलवे स्टेशन की बात करें तो बनारस जंक्शन हो गया। एंड हु हैज अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल, दैट इज सिंगापुर हो गया। एंड वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड रुद्राक्ष कन्वेंशन, ये वाराणसी दोस्तों। एंड हु हैज बीन सेलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, दैट इज डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 17th जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इंडियन नेवी रिसीव द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ये कौन सी अमेरिकन कंपनी लॉकहेड मार्टिन से हम लोगों ने रिसीव किया था। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया टू फॉर्मली स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करें तो गुजरात हो गया दोस्तों। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज वॉन द नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड, दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट। Who has won the best film award Palme d'Or at 74th Cannes Film Festival, that is film Titan. Who has won the Golden Eye Award for the best documentary at 74th Cannes Film Festival, that is Indian director Payal Kapadia, A Night of Knowing Nothing, which day was celebrated on 18th July with theme One Hand Can Feed Other, that is Nelson Mandela International Day दोस्तों। The train between India Jayanagar which neighboring country was successfully test fired, ये कुर्ता है दोस्तों। And who has been elected as president of Madhya Pradesh of Olympic Association, Ramesh Mandola. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज अप्रूव्ड बीटेक कोर्सेस, कितने लैंग्वेजेस में इसको अप्रूव किया गया है, 11 लैंग्वेजेस में अप्रूव किया गया। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन हैव रिकग्नाइज कोविशील्ड इन जुलाई 18 की बात करें तो 16 कंट्रीज में इसको अप्रूव कर दिया गया। हु हैज वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो लुइस हैमिल्टन होगी। विच कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज एसोसिएट मेंबर की बात करें तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को इंक्लूड कर दिया गया। इंडियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद वोन द स्पार्क्सकन ट्रॉफी बाय डिफीटिंग व्लाडिमिर क्रामिक दोस्तों। सऊदी अरेबिया एज अलाउड वुमेन टू विजिट द पिलग्रिमेज प्लेस विदाउट गार्डियन, दैट इज हज यात्रा को। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को उसमें दिया गया। विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्रा योजना टू गिव 1,000 rupees एज ए ग्रांट एवरी मंथ टू फार्मर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, दैट इज राजस्थान। वेर एज इंडियाज फर्स्ट गर्ल पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड इन कुनारिया विलेज ऑफ गुजरात दोस्तों। हु हैज बिकम द 10th प्लेयर ऑफ इंडिया टू स्कोर 6,000 रन, दैट इज शिखर धवन हो गया। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप इस इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन गौतम बुद्ध नगर नोएडा दोस्तों। एंड हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इशू एजुकेशन डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज महाराष्ट्र। और 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। विच डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपार टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये एम्लेक्स को इन्होंने
डेवलप किया, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग फाइन्स ऑन बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड, यानी चाइना। सो हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशन पीएस कीपिंग मिशन नेपाल, एंड हु हैज रीच द टॉप इन द आईसीसी वुमेन्स ओडिया रैंकिंग की बात करें तो मिथाली राज, और 25 साल की उम्र जो वैदेही डोंगरे ऑफ मिचिगन, इनको कौन सा अवार्ड से ऑनर किया गया, मिस इंडिया यूएसए 2021। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचसीएल टेक की बात करें तो विजय कुमार। ओके, सो वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी सेटअप एट मथुरा रिफाइनरी दोस्तों। हु हैज बीन नेम्ड एज अ वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन द एनुअल अवार्ड्स की बात करें तो बाला देवी हो गया। सो हु वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ कंडक्ट कमीशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो बैंकी मून। विच कंट्री अनवील्ड 600 किलोमीटर पर आवर मैगलिव ट्रेन की बात करें तो चाइना। एंड विच वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन मेड इज स्पेसशिप थ्रो स्पेसशिप न्यू शिपर्ट एंड कैप्सूल ऑफ स्पेस ब्लू ऑरिजिन, दैट इज जेफ बेजोस दोस्तों। एंड विच कंट्री रिलीज लाइव वीडियो टेस्ट ऑफ A500A डिफेंस मिसाइल सिस्टम, रशिया हो गया। एंड हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू की बात करें तो पेद्रो कैस्टिलो है दोस्तों, कौन बने, पेद्रो कैस्टिलो। फेडरल बैंक हैज लॉन्च विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर्स विद एनी टाइम बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज, दैट इज फेडी। एंड हु हैज बीन चूजन एज मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दैट इज संदेश जिंग्यान दोस्तों। एंड हु हैज बीन चूजन वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बाला देवी। सो हु हैज बीन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाइती की बात करें तो एरियल हेनरी हो गया। और विच सिटीज ऑफ एमपी हैव बीन सेलेक्टेड यूनेस्को फॉर हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, दैट इज ग्वालियर और ओरछा के दोस्तों। एंड हु हैज वन द हॉस्टिंग ऑफ 2032 नॉट 22 इट्स अ 32 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो ब्रिस्बेन सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ इंडियन जूनियर जैवलिंग थ्रो टीम, दैट इज गुरप्रीत कौर। एंड विच सिटी हैज बीन स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को की बात करें तो लिवरपूल। और 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। एंड हु हैज पार्टिसिपेट फ्रॉम द इंडियन साइड इन द समिट 20 कंट्रीज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी दोस्तों। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट ऑन जुलाई 22 फॉर द चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोरोना, दैट इज मुख्यमंत्री बाल सेवा। एंड हु ओन द टाइटल ऑफ कैडेट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इंडियन रेसलिंग तानू है दोस्तों, कौन है, तानू। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। एंड हु हैज वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द टोक्यो ओलंपिक्स ऑन जुलाई 24 की बात करें तो मीराबाई चानू है दोस्तों, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। एंड वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज बिल्ट, दैट इज एम्स्टर्डम द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स। विच स्टेट हैज अनाउंस टू मेक अ डिजास्टर मैनेजमेंट ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज ओडिशा हो गया। हु हैज बीन चूजन एज दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो पैरा शटलर प्रमोद भागत है दोस्तों। विच टेम्पल ऑफ तेलंगाना हैज बीन मार्क्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश। एंड वेयर इज अ प्लान टू बिल्ड अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म की बात करें तो इंडोनेशिया हो गया, क्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया दोस्तों। तो हु वॉज अवार्डेड एज अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो विनय भटवार। ओके, एंड कारगिल विजय दिवस आपको 26 जुलाई में मनाया जाता है, ये और 22nd है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। और 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी मनाया जाता है। हाउ मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ एथलेटिक्स अंडर खेलो इंडिया स्कीम, 236। हु वन द गोल्ड मेडल इन 73 केजी वेट कैटेगरी वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप की बात करें तो प्रिया मलिक हो गया। विच कंट्री कोर्ट हैज डिक्लेयर ए फिजी टू इंडियन बिजनेस विजय माल्या बैंकरप्ट, ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया है फाइनली इनको। बांग्लादेश हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंडर द नेम जोगाजोक, याद रखिए जोगाजोक। और इंडियन नेवल शिप तलवार पार्टिसिपेट इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, दैट इज कटलास एक्सप्रेस 2021। हु हैज ओन द गोल्ड मेडल इन द स्केटबोर्ड इवेंट दैट वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज जापानी स्टूडेंट ममोजी निशिया दोस्तों। ओके, एंड विच कंट्री शूटर यांग क्वांग हैज ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो चाइना। विच हरप्पा सिटी हैज डिक्लेयर ओल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को की बात करें तो डौलावीरा गुजरात है दोस्तों। एंड हु हैज हॉस्टेड द साउथ सेंट्रल एशियन समिट की बात करें तो उज़्बेकिस्तान है दोस्तों। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन विच पल्स मसूर दाल। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो नसीर कमल है दोस्तों। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, दैट इज पूरी उड़ीसा। हु हैज बिकम द यंगेस्ट मेडलिस्ट की बात करें तो जापान के ममोजी निशिया है। और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है दोस्तों, याद रख लीजिए। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, ये फिलीपींस है दोस्तों। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। एंड विच कंट्री बैडमिंटन प्लेयर ओन द अर्जुना अवार्ड, नंदू नाटेकर है दोस्तों। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, पूरी ओडिशा।
29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द चिल्ली फ्रॉम नागालैंड लंदन को भेजा गया था। उस चिल्ली का नाम आपको पूछा गया है राजा मिर्च है दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज मेड ए देवराना योजना टू प्रमोट आयुर्वेदा की बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया। ओके नेक्स्ट, विच लैंडस्केप गार्डन ऑफ ब्राजील हैज गॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट की बात करें तो सीतियो बुरले मॉस्क मार्क्यू। ओके याद रख लीजिए। एंड विच इज द ओनली साइट इन कंट्री टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम की बात करें तो इंदौर हो गया। एंड द असेंबली ऑफ विच स्टेट पास्ड ए बिल टू एस्टैब्लिश फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दैट इज बिहार। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो कर्नाटक हो गया। विथ हुम मारुति सुजुकी हैज स्टार्ट अप टू ट्रेन यूथ जुलाई 31st 2021 दैट इज सावित्र फुले पुणे यूनिवर्सिटी। होम स्टेक इन जम्मू कश्मीर बैंक हैज बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख जुलाई 31st दैट इज 8.23%। और अगस्ट 1st को जो है नेशनल माउंटेनिंग डे मनाया जाता है। 12th एडिशन ऑफ विच एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया बिगान इन वोल्गोग्राड रीजन ऑफ सदर्न एशिया की रशिया की बात करें तो इंदिरा 2021 इन विच इन द वुमेन सिंगल्स ऑफ द बैडमिंटन एट द टोक्यो ओलंपिक्स अगस्त 1st पीवी सिंधु वन विच मेडल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस हैज बीन रिपोर्टेड महाराष्ट्र। एंड हू विल ऑनर्ड विद द लोकमाया तिलक नेशनल अवार्ड की बात करें तो साइरस पूनावाला दोस्तों। एंड हाउ मेनी ऑन इंडियंस कंपनीज हैव बीन मेड इट फॉर्च इन ग्लोबल 500 लिस्ट की बात करें तो 7 हो गया। एंड विच थीम सॉन्ग फॉर पैरालंपिक्स हैज बीन लॉन्च बाय रेलवे मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की बात करें तो कर दे कमाल तू। एंड विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन अगस्त 3rd टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज हर हित स्टोर। हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ वर्ल्ड सेकंड हाइएस्ट K2। द करेक्ट आंसर इज शहरोज काशिफ। एंड विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 की बात करें तो भुवनेश्वर है दोस्तों। द इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड द सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट इन टू विच एयरबेस दैट इज हाशिमारा वेस्ट बंगाल। वेयर पानी मंथ वॉज स्टार्टेड की बात करें तो अबाउट क्लीन वाटर लद्दाख हो गया दोस्तों। वेर विच इंडियन फीमेल बॉक्सर वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेल्टर वेट 69 कैटेगरी एंड टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अलर्ट मोबाइल ऐप की बात करें तो उत्तराखंड हो गया। और कौन सी बैंक को ग्लोबल विनर अवार्ड दिया गया है दोस्तों इन डिजिटल बैंकिंग में दैट इज DBS बैंक। ओके एंड हू हैज बीन इन्वाइटेड बाय पीएम मोदी एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इंडियंस ओलंपिक कंटिजेंट में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, ऑन 5th August 2021 हु बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवल शिप टू कॉल ऑन हेरिटेज कोस्ट ऑफ गोपालपुर INS खंजर। विच मेडल हैज वन बाय द इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया इन टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो सिल्वर मेडल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अवार्डेड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव दैट इज वेस्ट बंगाल। और अगस्त 6 को हिरोशिमा डे बनाया जाता है। एंड हु हैज बीन रीनेम्ड एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एंड हु हैज वन द गोल्ड मेडल ऑफ द वुमेन्स हॉकी ऑन August 6, 2021 दैट इज हॉलैंड याद रख लीजिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज दीति बनर्जी। August 7th को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। एंड हु वन द भारत कृषि रेसलिंग दंगल हेल्ड इन तमिलनाडु की बात करें तो लबांशु शर्मा है दोस्तों। एंड वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेल्योर बायो बैंक स्टार्टेड दैट इज इन केरला में स्टार्ट किया गया। विच मेडल डिड इंडिया रेसलर बजरंग पुनिया विन इन 65 केजी फ्री स्टाइल इवेंट की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा अचीव इन जैवलिंग थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो गोल्ड मेडल। विच एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त क्रांति वॉज सेलिब्रेटेड दैट इज 79th। एंड हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो 7 मेडल इन्होंने जीता है दोस्तों। एंड बिटवीन विच टू कंट्रीज नेवल एक्सरसाइज ज़ईद 2021 हेल्ड ऑफ कोस्ट ऑफ अबू धाबी दैट इज इंडिया UAE। Who has become the first state in the country to implement the national education policy, Karnataka. And August 9 को Nagasaki और Old Tribal Day मनाया जाता है। Which country is related to famous storm Lupit की बात करें तो जापान है दोस्तों, जापान याद देख लीजिए। Which leading sports brand has been signed by the Chennai FC as a club official kit partner, that is Nivea हो गया। And who has become the third highest wicket taker in test cricket की बात करें तो James Anderson हो गया दोस्तों। 127th Constitution Amendment introduced in Lok Sabha on August 9, 2021. What is the provision in this? Right to make its own list of other backward classes by states and union territories. Which day was celebrated on August 10, 2021? World Biofuel Day or World Lion Day, दोस्तों. Which state government has announced Rajiv Gandhi Award for Excellence in IT sector? That is Maharashtra. Okay. Next, our Athletics Federation of India has announced to celebrate 7 August every year as which day in honor of Neeraj Chopra Javelin Throw Day manaya jata hai. At which place the Indian Air Force has built the old tallest mobile air traffic control की बात करें तो नौवामी लद्दाख है। And who has become the first state in India to recognize the forest resource rights की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों।
एंड हु हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन बात के तो चाइना का होतान सिटी हो गया, सेकंड गाजियाबाद आता है उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की बात करें तो 122nd रैंक है दोस्तों। ओके, ऑन अगस्ट 11, 2021 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रीनेम ककोरी कांड हैज ककोरी ट्रेन एक्शन, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विच सबमरीन क्रूज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑन अगस्ट 11, निर्भया हो गया। एंड हाउ मेनी नेशनल अवार्ड्स हैज बीन वोन बाय द नागालैंड अंडर वन धन योजना की बात करें तो 7। एंड विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th August, दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल यूथ डे। विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाई इसरो ऑन अगस्त 12 की बात करें तो GSAT 11। हाउ मेनी नेशनल यूथ अवार्ड्स वॉज प्रेजेंटेड बाई द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की बात करें तो टोटल 22 अवार्ड्स दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राजा चोला फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑन अगस्त 12 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। वेर विल बी द 130th दुरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट बी हेल्ड, दैट इज कोलकाता में। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बैटिंग कोच ऑफ बांग्लादेश, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन आश्विन प्रिंस को अपॉइंट किया गया। हु हैज अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द कंट्री फर्स्ट वाटर प्लस सिटी की बात करें तो इंदौर है दोस्तों। द लॉन्च ऑफ विच सैटेलाइट बाय इसरो फेल्ड, अगस्त 12 को फेल हो चुके थे हम, EOS 03। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 12 ओल्ड एलिफेंट डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे, और अगस्त 13 को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द RBI अवेयरनेस कैंपेन टू वॉर्न द पीपल अगेंस्ट बैंकिंग फ्रॉड्स, दैट इज नीरज चोपड़ा। हिमाचल प्रदेश हैज एक्सपोर्टेड 5 वेराइटीज ऑफ एप्पल्स टू विच टू कंट्री टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये बहरीन हो गया दोस्तों। टू एम्पावर अर्बन पुअर फाइनेंशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द सिंबल ऑफ विच कैंपेन की बात करते सोन चिड़िया अभियान। द रामसार सेक्रेटरी हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी वेटलैंड एरियाज, 4 है दोस्तों, थोल गुजरात में, वाधवन गुजरात में, सुल्तानपुर हरियाणा में, और बिंदावास जो है हरियाणा में है दोस्तों। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री हैज इशूड अ नोटिफिकेशन टू सेलिब्रेट 14th August एवरी ईयर, दैट इज पार्टीशन विभिक्षा मेमोरियल डे। हु हैज रिटेन द फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका हो गया। विच टू स्लोगन्स डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन August 15 को दिया गया था? छोटा किसान बने देश किसान, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एंड विच 3 स्कीम वर अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन August 15? नेशनल हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स। पीएम मोदी हैज अनाउंस टू स्टार्ट हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स, 75 याद रख लीजिए दोस्तों, 75। ओके, पीएम मोदी हैज सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी फ्री 2047। विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू ट्रेन द प्रिजनर इन सेलेक्टेड स्पोर्ट्स, परिवर्तन इनिशिएटिव दोस्तों। इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15, कौन सा है? अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। 75th इंडिपेंडेंस डे को यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था दोस्तों, दैट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप की बात करें तो 15 मेडल हो गए। एंड HCL हैज लॉन्च पोर्टल बाय विच नेम टू एम्पावर द आर्टिशना फाउंडेशन की बात करें, MyEHeart। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोम चिप फॉर प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स, दैट इज इंडी गाउ दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म बाय द WHO, दैट इज सागो हो गया। एंड विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू इक्विप विद द सैटेलाइट फोन, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड वे डिड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर स्टार्टेड, दैट इज तिरुवनंतपुरम केरला। विच यूनियन टेरेटरी सेलिब्रेट इज लीगल ट्रांसफर डे डिजोर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरला। द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी तक टोटल इनके पास? 32 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं दोस्तों। okay? तो मनपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़, इसको अनाउंस किया गया। एंड विच हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इंडिया टू हैव ए कैंपस फायर स्टेशन इन एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली में आ गए। एंड विच इज द लार्जेस्ट जीन बैंक इन द वर्ल्ड, दैट हैज बिकम ऑन, दैट इज इंडिया जो है सेकंड है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक इंडिया के पास है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते, हु ओन द स्पिलबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है रौनक सदवानी। ओके, रौनक सदवानी। द नेवीज ऑफ विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द एक्सेस कोंकण 2021 की बात करें तो किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया और यूके, यानी ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था। और नेक्स्ट है हमारा, हु हैज बिकम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन ऑगस्ट 17 की बात करें, दैट इज हर्षित राजा, याद देख लीजिए हर्षित राजा। अभी तो 73rd तक हो चुके हैं, आगे चलकर हम, मैं आपको पढ़ाऊंगा अपडेटेड वन, तो 69 का भी याद रख लीजिए, हर्षित राजा है। एंड विच हैव हैज बीन लॉन्च बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रूफ दोस्तों। एंड हु हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज वंदना कटारिया। एंड विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासिन रिजाइन आफ्टर लूजिंग द ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट की बात करें तो मलेशिया हो गया दोस्तों। ओके, एंड इन विच क्लब यूरोप फुटबॉलर लियोनो मेसी हैज जॉइंड आफ्टर लिविंग बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन को ज्वाइन किया है। फर्स्ट स्टेट टू इशू स्मार्ट हेल्थ कार्ड उड़ीसा, और 6 ईयर
6 lakh villages have been announced to be connected with the internet connectivity by 2024. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राजीव गांधी ग्रामीण भूमि न्याय योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों. विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर संगोली रायना दैट इज कर्नाटक. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू पैट्रोनाइज द इंडियन हॉकी टीम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात करें तो उड़ीसा. और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है. ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी सुभद्रा कुमारी चौहान हैज बीन ऑनर्ड बाई गूगल दैट इज 117 दोस्तों. एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च ए मेगा ब्रांड कैंपेन बदलाव हमसे दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड आयुष्मान भारत अधिकार पत्र मनसुख मंदाविया ने लॉन्च किया. द सेकेंड एडिशन ऑफ जहर अल बहार एक्सरसाइज जो है खतर के में इसको इंडिया और खतर के बीच में हुआ था. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ बोर्ड गोखा धंधा दैट इज हरियाणा दोस्तों. और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड द कारकंदर स्कीम फॉर आर्टिशन एंड वीवर्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर. वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट स्मॉक टावर इनॉग्रेटेड दिल्ली हो गया दोस्तों. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 20 सो एक मिनट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अगस्त 2020 सो विच इज़ द सेकेंड इंडियन कंट्री इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करें तो इंडिया हो गया दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री इंडिया साइंड एग्रीमेंट फॉर द परचेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ AK-103 राइफल्स की बात करें दैट इज रशिया हो गया. नेक्स्ट अगस्त 22, 2021 NTPC हैज बिल्ट ए लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV दोस्तों. ओके दैट इज कौन है आंध्र प्रदेश हो गया है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इन विच स्टेट द फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज बीन ओपन गोवा. एंड वेयर हैज इंडियाज हाइएस्ट अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन सेटअप वॉज इनॉग्रेटेड दैट इज उत्तराखंड. और हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज की बात करें तो एप्पल हो गया दोस्तों. विच मेडल हैज अमित खात्री वोन इन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो सिल्वर हो गया. एंड हु हैज रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फोकस ऑन चिल्ड्रन की बात करें दैट इज 2021 यूनिसेफ हो गया दोस्तों. और 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर सेफ ट्रे एंड देयर अबॉलिशन मनाया जाता है. ओके नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च आजीविका सहायता योजना मणिपुर. एंड AI इनेबल्ड चार्टबॉट जो ऊर्जा लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था BPCL दोस्तों. विच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स CSE रिलीज 24 अगस्त की बात करें तो उड़ीसा हो गया. एंड हु हैज लॉन्च द न्यू ग्लोबल जियो स्पेशल प्लानिंग नेम युक्ताधारा दैट इज जितेंद्र सिंह. एंड विच IIT हैज डेवलप ए फर्स्ट इंजीनियर्स मॉनिटर व्हील चेयर IIT मद्रास. एंड दिल्ली गवर्नमेंट हैज नेम द गवर्नमेंट चिल्ड्रन स्कूल इन आदर्श नगर आफ्टर विच ओलंपिक मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया. वेयर विल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 2021 टेक प्लेस जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था. एंड हु हैज मेड द फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करें तो तेगचंद है दोस्तों. विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेस्क्यू इंडियन स्टाफ इन अफगानिस्तान दट इज ऑपरेशन देवी शक्ति. और वांचुआ फेस्टिवल अगस्त 25 को असम में मनाया जाता है. एंड हु टॉप द EIU सेफ सिटी इंडेक्स दट इज कॉपेहेंगन. एंड हु हैज अपॉइंटेड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन दट इज अभय कुमार सिंह. एंड वेर विल द इंडिया वर्ल्ड टॉलेस्ट लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील ओपन दट इज दुबई. एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है अगस्त में रिलीज किया गया था तो इंडिया जो सेकंड पोजीशन में मूव हो गया था दोस्तों. एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क दट इज कैथी होचुल. विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अगस्त दैट इज इंटरनेशनल डॉग डे. और 5th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन की बात करें तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है दोस्तों. और G20 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेज जो है वो इटाली में हुआ था दोस्तों.